आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने ऐसे चतुर्भुजों की रचना करनी सीखी जिनकी चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो, या तीन भुजाओं और दो विकर्णों की लंबाई दी हो। इस वीडियो में हम एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जिसकी दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों की माप दी हो। आइए इस स्थिति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाएं, जिसमें बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 70 डिग्री, कोण सी बराबर 80 डिग्री और कोण डी बराबर 110 डिग्री हो। इस चतुर्भुज की रचना के लिए आप किसी भी भुजा से शुरुआत कर सकते हैं। हम भुजा बी सी से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले एक कच्ची आकृति बनाते हैं। भुजा बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर बनाएं। बिंदु सी पर कोण बी सी एम बराबर 80 डिग्री बनाइए। अब सी को केंद्र मानते हुए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप सी एम पर खींचिए। चाप और सी एम के प्रतिच्छेद बिंदु को डी से नामांकित कर दें। अब बिंदु डी पर कोण एक्स डी सी बराबर 110 डिग्री बनाइए। अब क्या आप अगले चरण का विचार कर सकते हैं? शाबाश, बिंदु बी पर कोण वाई बी सी बराबर 70 डिग्री बनाइए। इस प्रकार हमने चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया है। आज इस वीडियो में हमने सीखा एक चतुर्भुज की रचना जब दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों की माप दी हो। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।